बरेली में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष शिववती साहू के नेतृत्व में जिलाधिकारी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया और मांग की कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा दिन रात बड़ी मेहनत कर रही हैं। उनका मानदेय बकाया है, उसको नहीं दिया गया है। प्रोत्साहन राशि 1500 बढ़ाई गई थी, अभी तक नहीं दी गई है। कोई चिकित्सा सुविधा भी नहीं दी जा रही है। पूरे प्रदेश में आशाएं और आशा संगिनी मौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। अपने ही रुपए पाने के लिए आशाओं को भुगतान करवाने के लिए घूस का सहारा लेना पड़ता है। कुछ इलाकों में आशाओं का भुगतान लंबित पड़ा है, अभी तक नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय कार्यक्रम संचारी रोग दस्तक अभियान और मलेरिया जैसे कार्यक्रमों में आशाओं ने ड्यूटी की है, उसका भी भुगतान नहीं दिया गया है। आशाओं ने सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में ACM प्रथम को ज्ञापन दिया और अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। मैं जयश्री गंगवार, आशा संगठन जिला महामंत्री। कौन कौन सा आपका पैसा नहीं मिला है? सर, हमारा 1500 वाला 2022 जनवरी 2022 से जो लागू हुआ था, दो चार ब्लॉक में 5 महीने का पड़ा है, बाकी सब बकाया है। और 750 जो 2021 में बढ़ोतरी की गई थी, 750 वाला, वो अभी तक का हमारा आशा और संगिनी दोनों का ही निल है। और सर, अप्रैल से अब तक का JSY जो जननी सुरक्षा योजना, जो रात और दिन जाके हम किसी भी टाइम डिलीवरी कराते हैं, जिस टाइम आवश्यकता होती है उस टाइम हमारी आशा बहनें जाती हैं, वो पैसा हमारा अप्रैल से अब तक का बकाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋचा शर्मा है, आशा संगनी से। क्या मांगे जी? मांगे क्या है आपको? सर, मांगे तो ये, हम लोगों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। हम लोग बहुत परेशान है। टुकड़ों में जो पैसा आता है उससे हम लोगों का कोई बेनिफिट नहीं। जो आता है 2000, मान लो 2200 रुपये आशा के आते हैं, संगनियों के विजिट के अनुसार आते हैं, यानी 7200 रुपये विजिट के अनुसार। इस पैसे से हम लोगों का भला थोड़ा ना होता है। एक हमारी निश्चित मानदेय हो तो उससे हम लोग कुछ कर सकते हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि भाई हम लोगों का एक निश्चित मानदेय होना चाहिए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।